और एक ट्रेनिंग कैंप होता है जिसमें कैसे हम लोगों के साथ बिहेव करें और कैसे जिए इसके बारे में बताया जाता है, सरल शब्दों में अगर कहें तो। और जिस समय यह अभ्यास वर्ग था उस समय रमज़ान चल रहा था, तो जब मैं रात में पहुँचा तो हम दोनों लोग पहुँचे थे वहाँ पर, तो रात में पहुँचा तो ललित पांडे जी हैं इस समय, इससे पहले जो है ABP का इलेक्शन लड़े थे वहाँ पे, तो फौरन उन्होंने पूछा, अरे शर भाई आपका तो रोज़ा है, आप अभी रात में क्यों आ गए, आप सुबह आइएगा, आप सुबह आना चाहिए था आपको, आप रात में क्यों आ गए। मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा, नमाज़ पढ़ के आया हूँ, रोज़ा खोल के आया। अच्छा, वो बंदा और आनंद भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये हमारे संगठन मंत्री हैं, इन लोगों को ये पता था कि कोई बंदा जो है एक मुसलमान है जो आया है हमारे अभ्यास वर्ग में, इन्होंने उनको सहरी का टाइम नहीं पता था। ललित भाई रात में 2 बजे आते हैं और मुझे जगाते हैं, ठीक है, और मैं कहता कौन है, मुझे पता ही नहीं था वहाँ पे। मैंने क्या कह रहे कि भाई शर भाई आपके लिए बहुत सारा सामान लेके आए थे, और सहरी के लिए कुछ ज़्यादा ही ले आए थे। कहने लगे आपका सहरी का टाइम हो गया, तो मैंने कहा कि सर भाई साहब मेरा जो है 4 बजे सुबह सहरी का टाइम होता है, अभी नहीं होता है, लेकिन वो जो मैंने उनके अंदर प्यार देखा है मुसलमान होते हुए कि वो पहली बार मैं गया वहाँ पर, उसके बाद फिर साकेत बहुगुड़ा इस समय तो US में है, जब उस समय मौजूद थे तो उन्होंने बाकायदा अलग से जो है रात शाम का जो अफ्तारी का टाइम था तो उसके मेरे लिए अफ्तार का टाइम किया। चल साकेत बहुगुड़ा के बारे में आपने सुना भी होगा, बहुत ही प्रसिद्ध है उसमें ABUP में। उसके बाद क्या था कि जब सुबह उस समय लोगों का व्यायाम होता है, योगा वोगा किया जाता है, तो साकेत भाई ने मुझसे बोला कि शेफ जी आप मत करिएगा क्योंकि आपका रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में भूखे पेट आप नहीं कर सकते। ऐसा जाके वहाँ पर मुझे प्यार मिला, मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि जो श्रीनिवास जी हमारे सामने बैठे हुए हैं वो किसी गैर मजहब से आते हैं या कभी आते हैं, कभी ऐसा इस तरह का कोई डिस्कोर्स ही नहीं हुआ, ना ही ऐसी कोई बात हुई। इनवाइट ABP के लिए नहीं कर रहा हूँ, संवाद के लिए कर रहा हूँ, हमें संवाद करना चाहिए, हमें अलीगढ़ में भी जाके संवाद करना चाहिए, हमें यहाँ पे भी संवाद करना चाहिए, और जो ABP का हेडक्वार्टर है हमें वहाँ भी जाके, जब तक हम अपनी बात नहीं करेंगे, आप ऐसे ही माने पड़े हैं कि ABP गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये अपनी भावनाओं को बता रहे हैं, नहीं नहीं मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसी जामिया मिलिया में पिछले साल की बात है, उस समय मैं यहाँ का यूनिट प्रेसिडेंट था, एक विवाद हुआ, ठीक है, कुछ लोकल लड़कों ने लोकल इंटरेस्ट में आके विवाद किया, उसमें इन्होंने जितना मन कर सका मीडिया के सामने और इधर उधर जो है ABP को खूब गाली दिया। मैं और एक आसिफ आफ्ताब लड़का है, वो इस समय यहाँ पे मौजूद नहीं, उस समय का सचिव था, मैं दोनों गए, कम से कम 300 से 400 लड़का था, आज भी फोटो मौजूद है, और जामिया का हर लड़के को उस विवाद के बारे में पता है। मैं वहाँ अकेले गया, वहाँ मैं बोल रहा हूँ भाई मैं ABP का हूँ, आप मुझसे बताओ, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ। उस समय आसिफ बिता ये क्या बोलते सचिव है, इन्होंने कुछ नहीं कहा, उस बंदे का ये वर्ड था, मैं कसम खा रहा हूँ कि उसका ये वर्ड था कि शर भाई आप यहाँ से चले जाइए, आज हम लोगों को जो करना है कर लेने दीजिए, ठीक है। वो सिर्फ पॉलिटिक्स थी और वो किसी पार्टी से एफिलेटेड था और उसका था। आज तक बता दीजिए इस ABP को लेके हम यहाँ पर सबके पास गए और मोहब्बत से बोला, कभी हमने किसी कोई बात नहीं करी, और यही ABP का चरित्र है, मेरे सामने लोग बैठे हुए हैं। मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, आज की डिबेट ABP पर नहीं है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर है, और मेरे मित्र को मैं कह रहा हूँ आप ज्वाइन मत करिए, हमारे अच्छे आलोचक बने रहिए ताकि हम भी ठीक करते रहे, और सरकार के भी आलोचक बने रहिए, जो चीजें ठीक जब तक नहीं हो तब तक अपनी बात वहाँ तक कहते रहिए। ये मैं आपसे आपको स्वागत कर रहा हूँ, ABP आज डिबेट का विषय नहीं, लेकिन डिबेट जरूर होनी चाहिए, बात आप कभी किसी दिन, एक मिनट मैं लेना चाहूंगा, एक मिनट, क्योंकि मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा।